संविदा सीएचओ भर्ती की चयन सूची जारी हो गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। 7353 चयनित सीएचओ को ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित किया जाएगा। चयनितों को कोरोना नियंत्रण के लिए गृह जिलों या फिर समीपवर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि संविदा सीएचओ भर्ती 2020 के लिए 7810 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के आधार पर 7353 पदों की चयन की सूची जारी की जा रही है। कतिपय श्रेणी के 457 शेष पदों पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन होने के कारण परिणाम बाद में जारी किया जाएगा। और हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पूरी जानकारी बताएं। देखिए, सीएचओ भर्ती परीक्षा जो थी वो आयोजित की गई थी, उस आयोजित परीक्षा में 2020 के लिए आयोजित की गई थी, 7810 पदों के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा। उसके चयन सूची में 7353 पद लोगों का नाम जो है जारी कर दिया गया है। 457 जो नाम है वो अभी जो श्रेणी वार जो कतिपय दिक्कतें आ रही थी उनको उसकी सत्यापन प्रक्रिया जारी है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद में उसको भी जारी कर दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ कर दिया है कि जो ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है चलते तत्काल प्रभाव से इनको एक दिन की ट्रेनिंग देकर के पोस्टिंग दी जाएगी और सभी को ग्रामीण इलाकों में खुद के गृह जिले में या फिर उसके गृह जिले के आसपास के जिलों में पोस्टिंग दी जाएगी। जी, और विकास, क्योंकि जल्द से जल्द ये काम किया जाएगा तो कब से ये पोस्टिंग देना शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, आगामी 3 दिनों में इनको सभी को ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी एक दिन की कराई जाएगी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए।